राइट गाइस, वेलकम बैक टू सुरेंद्र टाटा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उल्लू ऐप की काफी एक्सपेंसिव वेब सीरीज जिसका नाम है ऑनलाइन के एपिसोड 3 का पूरा स्टोर लाइन एक्सप्लेन। सबसे पहले अगर स्टोर लाइन की बात करें तो आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा जो कि चेतन को फाइनली किसी ना किसी रीजन से किडनैप किया जाता है। अब यार ये खबर उसको जो नाइट में किडनैप कर लिया जाता है, सुबह सब फैमिली मेंबर को पता चल जाता है कि फाइनली चेतन का किडनैप हो गया। जो चेतन को किडनैप करके लेके जाता है वो 2 लाख रुपए की डिमांड करता है। लेकिन यार अगर हम बात करें, उसकी फैमिली काफी ज्यादा डिस्कस करती है, अगर अदर की बात करें तो भाई वो चाहते हैं कि भाई उसका बेटा वापस आए। लेकिन अब यार जो मतलब अपनी फैमिली से कन्वर्स करने के बाद में वो बोलता है कि फाइनली चलो ठीक है, ये पैसे मैं तुम्हारी शादी के लिए रखता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा बेटा यहाँ पे नहीं है तो फाइनली उसके लिए ये मैं देता हूँ। तो ये मतलब वहां पे कॉल पे बात करता है, इतने चेतन को किडनैप करता है, तो फाइनली वो कोई और नहीं होता, वो खुद ही चेतन होता है जो कि भाई खुद ही किसी और नंबर से उसके फादर को कॉल करता है और वो 2 लाख रुपए की डिमांड करता है। तो मतलब यार ये सब कुछ चीजों को पता उसकी फैमिली मेंबर को चल जाता है, उसके फादर को चल जाता है कि ये इसका ही क्या करा है, ये फाइनली कोई भी इसको किडनैप करके लेके नहीं गया, ये खुद का ही ड्रामा करा है। तो मतलब यार अगर हम बात करें तो उसके फादर को उसकी अहमियत पता चल जाता है, उसके फादर उसके एग्री हो जाते हैं कि चलो तू चाइना जा रहा है तो चले जा। मतलब उसकी पूरी फैमिली अब तैयार हो चुकी होती है कि फाइनली तू चाइना जा रहा है तो भाई जा, काफी अच्छा काम करके वापस आना। लेकिन यार यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसकी जो जेब को ये सब कुछ चीजें पता चल जाता है कि फाइनली चेतन है जो बाहर जा रहा है। चेतन ये सब कुछ चीजें सोचता रहता है, उसकी जेब के साथ कुछ रोमांटिक सीन क्रिएट करता है, लेकिन ये उसका ड्रीम होता है ना कि रियलिटी में होता है। और फाइनली यार ये सब कुछ चीजें सुन के बाहर के मोहल्ले वाले या गली आंटी को पैसे वैसे देखे जाती है, तो मतलब एक अलग ही रौनक अलग ही माहौल बनता रहता है। अब चेतन पूरी तरह रेडी होकर चाइना के लिए निकल जाता है और फाइनली जब वहां पे जाता है शाम के टाइम में तो भाई अपने गाँव मोनू के पास कॉल करता है। इनका इतनी ज्यादा है कि यहाँ से तो अपना देश ही काफी ज्यादा अच्छा है। तो यार मोनू के साथ वो बातें चीतें करके अपनी वीडियो कॉलिंग पे सब कुछ चीजें लाइव दिखाता है कि यहाँ पे इधर ये चीजें होती है। लेकिन यार यहाँ पे वो दिखाया जाता है कि चाइना में कुछ ऐसी गर्ल्स या फिर अगर हम गर्ल्स के जो वो मतलब यार चीजें लेने जाता है गर्ल्स के अंडरगारमेंट के लिए, लेकिन यार चाइना में खुले आम वहाँ पे गर्ल्स या फिर गर्ल्स की कुछ ऐसी एक्सेसरी मिलती है जो कि भाई वो बंदा देख के काफी ज्यादा दंग रह जाती है कि खुलेआम यहाँ पे ओपन सोर्ट माइंड इस तरह की कुछ चीजें सेल की जाती है, तो भाई काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर हम चेतन की बात करें तो उन गर्ल्स को देख के पिघलता नहीं है क्योंकि उसके दिल में उस